तंत्र की विद्या जब पश्चिम में गई तो उसके बाद म्लेच्छों के हाथ लगी। क्योंकि तंत्र की जो साधना थी वो दो ही पंथ की थी, दक्षिण पंथ और वाम पंथ, दो ही पंथ थे। लेकिन जब ये म्लेच्छों के हाथ लगी तो उन लोग, चूँकि उनके यहाँ शरीर को जलाया नहीं जाता, उनके यहाँ शरीर को दफनाया जाता है, उनके यहाँ दफनाने के कारण उस शरीर को बहुत लंबे समय तक मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए कब्र की पूजा होती है, मुर्दों की पूजा होती है। तो जब आत्मा को जल्दी से मुक्ति नहीं मिलती है, तो जिस जीव आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है वो हवा में विचरण करती है। हवा में जो आत्मा विचरण कर रही है उसको किसी भी मंत्र के द्वारा वशीभूत किया जा सकता है, और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो म्लेच्छों के हाथ जब तंत्र की विद्या भारत से लगी तो उन्होंने उसको मुर्दों से जोड़ दिया। तो जब ये विद्या तंत्र की मृत्यु से जुड़ी तो इसने एक अलग रूप ले लिया और ये विद्या विकृत हो गई, बदनाम हुई। फिर ये लोगों को मुक्ति के लिए नहीं, लोगों को दुख देने के लिए प्रयोग की जाने लगी कि किसी ने किसी मसान को सिद्ध कर लिया, किसी ने किसी जिंद को सिद्ध कर लिया, किसी ने किसी और आत्मा को कब्जे में कर लिया और तंत्र के द्वारा उससे बहुत सारे काम करवाए, किसी के शरीर को वश करा, किसी का कुछ उल्टा कराया, किसी का कुछ कराया। ज़्यादातर जो अजाई मौत होती हैं उनकी इस तरह आत्मा को पकड़ा जाता था। लेकिन फिर चूँकि इनके यहाँ सभी कब्र में जाते हैं तो उनकी आत्माओं को पकड़ना सहज हो गया। तो पश्चिम से लौटते लौटते तंत्र म्लेच्छों के हाथ में पड़कर बहुत ज़्यादा बदनामी को पाया, बहुत ज़्यादा विकृत हो गया। तो जो भारत के ऋषि मुनि थे उन लोगों ने इस विद्या को रहस्य कर दिया, गुप्त कर दिया, अपनी ही विद्या को अपने ही मंत्रों के द्वारा बांध दिया ताकि ये किसी धूर्त के हाथ में ना लगे। तो फिर इसके दो पंथ बनाए, वाम पंथ और दक्षिण पंथ। ये पहले से चले आ रहे थे। वाम पंथ में स्थूल पंच तत्वों की पूजा होती थी और दक्षिण पंथ में सूक्ष्म पंच तत्वों की पूजा होती थी। एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे कोई जीव है जो बहुत चंचल है, मान लो मछली है, पानी में बहुत चंचल होती है, तो जो वाम पंथ है वो मछली को मछली की तरह समझाएगा, लेकिन जो दक्षिण पंथ है वो कहेगा नहीं, ये मन है, मनस्तु चंचलम राजन, ये मन बहुत चंचल है, ये मन चंचल है, इस मन को वश में करना है। तो जो दक्षिण पंथ है वो भीतर की साधना कराता है। तो जो भीतर की साधना करता है धीरे 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 वो तंत्र के द्वारा मुक्त हो जाता है। अगर उसको 10 महाविद्याओं की कोई शक्ति प्राप्त होती भी है तो उससे जगत का कल्याण होता है, हानि नहीं होती। दक्षिण पंथ ने ही 3 देवियाँ 10 महाविद्याओं में से मनुष्यों के सबसे अधिक निकट बताई, जिसमें माँ कमला जो श्री लक्ष्मी जी का रूप है, हिरण्यवर्णाम हरणिम स्वर्ण रजसस्रजाम चंद्राम हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम म आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी। ये माँ का कमला रूप है, लक्ष्मी रूप, धन धान्य की देवी, ऐश्वर्य की देवी, संपन्नता की देवी, प्रसन्नता की देवी, उत्साह की देवी। दूसरा माँ का बगुलामुखी रूप है, यही माँ का पीताम्बरा रूप भी है, ये शक्ति की देवी हैं, शौर्य की, युद्ध में जीत दिलाने वाली देवी हैं, कहीं किसी भी जीवन के संग्राम में विजय दिलाने वाली देवी हैं। तो जब कोई धर्म के मार्ग पर
दस्युओं से हारने लगता था तो वो माँ बगलामुखी को याद करता था, माँ पीताम्बरा की उपासना करता था और वो उसे सब प्रकार से विजय दिलाती थी। और फिर तीसरी है माँ मातंगी। मातंगी ये कला की देवी हैं, संगीत की, नृत्य की, नवीनता की। कुछ भी जो नया पैदा हो रहा है, कुछ भी जो नूतन हो रहा है, जो नवीन हो रहा है, जो पुराने में से कुछ नया निकल रहा है, उसको आगे बढ़ाने वाली। एक राग में से दूसरा राग निकल रहा है, नृत्य की कलाएं निकल रही हैं, विभूतियां प्रकट हो रही हैं, विस्तार हो रहा है। जैसे संसार का प्रथम शब्द है ओम, ब्रह्म शब्द है ओम, लेकिन माँ मातंगी ने ही इस ओम को सोहम बना दिया। मातंगी ने शिव के वामांग में बैठकर, जो शिव हैं वही में, ओम को सोहम बना दिया, शिवोहम बना दिया। फिर शिवोहम से 24 मंत्र हुए, 24 अक्षर हुए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर देखते देखते इन 24 वेद का विस्तार हुआ और वेद मनुष्य के लिए ज्ञान का मूल बना। तो जो विस्तार की देवी हैं, जो नवी नूतन करने वाली हैं, जो उत्साह की, सृजन की, संगीत की, साहित्य की, प्रेम की देवी हैं, वो है माँ मातंगी। तो मनुष्य के लिए शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों में शरीर को पोषण देती हैं माँ कमला, मन को पोषण देती हैं माँ मातंगी और आत्मा को बलवान बनाती हैं माँ पीताम्बरा, जिन्हें माँ बगुलामुखी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि में इन माता की उपासना करने का साधना विधान है।